12 तारीख को फिब्रवरी मॉर्निंग 9:30 मोहम्मद जाफर पुलिस स्टेशन बालापुर आके उनका बेटा मोहम्मद शाह फैजल 25 ईयर से पटेल मार्केट में काम करता है, उन्होंने मिसिंग केबल का अपने कंप्लेंट करा। मिसिंग कंप्लेंट करने के बाद हमारा बालापुर पीएस में क्राइम नंबर 9/2023 अंडर हेड मैन मिसिंग केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप करा। बाद में उसका पूरा मालूम निकालने के लिए एरिया में पब्लिक को पूरा जानकारी करा, ऑटो वाले को बस स्टैंड में भी, प्रेस में, मीडिया में भी पूरा डाला। और इसका बच्चा फैजल किसके साथ पीटता वो पूरा हमारा इंस्पेक्टर बालापुर भास्कर साहब उनका टीम और पूरा ज़्यादा एफर्ट करके ये बच्चा साथ में एक अब्दुल जब्बार बोल के बहुत क्लोज फ्रेंड है, 2-3 साल से पूरा हुए तो उनका भी एड्रेस मीनाब कॉलोनी में रहता है, कॉस्मेटिक शॉप में चेयरमैन में काम करता, वहाँ भी देखा वहाँ भी नहीं मिला। बाद में रात में हमारे को ये मालूम हुआ उन्होंने कहीं घर पे आ गए बोल के इन्होंने इमिडिएटली टीम भिजा के पकड़ के ला के पीएस में इंटरेक्शन करे तो उन्होंने कबूल करा। उस दिन 12 तारीख के दिन क्या करा ये अपने फैजल इनको घर को गया, इनको डिस्ट्रिक्ट जब्बार घर को जाके उन्होंने जब वो उसका जब्बार के घर के पास एक ओपन प्लाट है वहाँ पे बीर पी रहा था, इन्होंने जाके जेल हो गया, इन्होंने नहीं पिया था इन्होंने, मगर इन्होंने ये बोला उनको एग्जीबिशन जाएंगे बोल के बोले तो उन्होंने एग्जीबिशन मना करे तो उन्होंने दोनों में आर्गूमेंट होने के बाद इन्होंने बोल रहा जो जब्बार एक्यूट बोल रहा है इन्होंने चिनाल के बेटा बोल के बोले तो गुस्सा में आके इन्होंने धकलाया तो इन्होंने जब्बार एक्यूट क्या करा लाठी वहाँ पे हैथा करते लाठी से मारे तो सिर के ऊपर उन्होंने नीचे गिर गया। वो जब उन्होंने सांस भी नहीं निकला फिर बाद में वो दीवार के थोड़ा अंदर डाल देके और बॉर्डर से डाल के सिर फोड़ दिया, सिर वैसे ही फोड़ने के बाद 2-3 पत्थर और पूरा छुपाया वो डेड बॉडी नहीं दिखने का वैसा, इसलिए वहाँ स्मेल भी नहीं आया। कल जाके वहाँ भी देखा मेरे ऐसे के इंस्पेक्टर के साथ टीम गए तो वहाँ स्मेल भी नहीं आया। फिर उन्होंने क्लूज टीम जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन का वो मटेरियल ले लिया। बाद में इसका फादर भी देखा डेड बॉडी को, फादर देखे डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो गया, पंचनामा करके उनको हॉस्पिटल भेजाया, इनको कस्टडी में ले लिया। अब फिर भी फर्दर इसमें क्या क्या है वो पूरा इंटरेक्शन में कस्टडी लेने को इंटरेक्शन करने के बाद अपने को मालूम होता।